मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे? वेरी नाइस। तो कल हमने दो अक्षर वाले शब्द की पढ़ाई की थी, राइट? और आज हम लोग कितने अक्षर की पढ़ाई करेंगे, कितने अक्षर वाले शब्दों की पढ़ाई करेंगे? कल हमने दो अक्षर वालों की थी, आज हम तीन अक्षर वाले शब्दों की पढ़ाई करेंगे। तो तीन अक्षर वाले शब्द किसे कहते हैं? जिसमें तीन अक्षर एक साथ ज्वाइंट होके जुड़ के एक नया शब्द बनाते हैं, उसे तीन अक्षर वाले शब्द कहते हैं। कल जैसे हमने दो अक्षरों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया था, जैसे कि ज ग, क्या बन गया? ज ग जग। उसी तरह आज हम लोग तीन अक्षर वाले शब्दों को बनाना सीखेंगे, जैसे कि म ह ल, म ह ल महल। तीनों को जोड़ेंगे तो नया शब्द म ह ल महल। तो आज इस वीडियो में आप ओरली भी पहले पढ़ाई करोगे, ओके? पहले हम लोग ओरली रिवाइज कर लेंगे तीन अक्षर वाले शब्द को, उसके बाद हम लोग रिटर्न में लिखेंगे कि हमें तीन अक्षर वाले शब्द लिखित में कैसे लिखना है, ओके? तो चलिए हम लोग पहले ओरली प्रैक्टिस कर लेते हैं। तीन अक्षर वाले श ह द शहद, म ट र मटर। तो ये बहुत आसान है, आप लोग अच्छे से कॉपी में भी लिखना सीखना है आपको अभी। तो चलिए हम कॉपी में लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम लोग तीन अक्षर वाले शब्द लिखेंगे, ओके? आपको अपनी कॉपी लेनी है, फाइव लाइन कॉपी, और पेंसिल इरेजर निकालना है। सबसे पहले डेट और डे लिखनी है, ओके? कल जैसे हमने दो अक्षर वाले शब्द की पढ़ाई की थी, आज हम लोग तीन अक्षरों वाले शब्द की पढ़ाई करेंगे, ओके? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मौ, हो, प्लस साइन देंगे लो। प्लस साइन इसलिए दे रही हूँ ताकि इस तीनों को जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे, ऐड करके लिखेंगे, तो क्या बनेगा, कौन सा नया वर्ड बनेगा? तो क्या बनेगा? म ह ल महल, ओके? नेक्स्ट वन इज म व र। म ग र क्या होता है? मगर। मगर मीन्स मगरमच्छ, राइट? फिर ज ग त। ज ग त क्या होता है? जगत। ज ग त जगत। नेक्स्ट वन इज न ह र नहर। क्या होता है? न ह र नहर। नेक्स्ट वन इज ह व न। ह व न क्या होता है? हवन। जब घर में पूजा होती है आप लोगों के, तो मम्मी पापा हवन करते हैं ना, आप भी करते हो ना हवन, तो उसे हम लोग हवन कहते हैं, ओके? नेक्स्ट वन इज भवन। भ व न क्या होगा? भवन। इजी है, आप लोग आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट वन इज प ह र। बताओ क्या होगा अभी? प ह र क्या होगा? पहर। नेक्स्ट वन इज च ह क। क्या बन जाएगा ये? चहक। च ह क चहक। जो कुछ भी यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है ना, आपको ये इक्वल टू साइन के इस साइड में एक साथ लिखना है, ओके? नेक्स्ट वन इज स ड क सड़क, ओके? तो इसी तरह आप लोग लिख के आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, 10-10 times प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको ये अपने फेयर कॉपी में भी लिखनी है, ओके? चलिए एक बार ही हम लोग इसे ओरली पढ़ लेते हैं। म ह ल महल, म ग र मगर, ज ग त जगत, न ह र नहर, ह व न हवन, भ व न भवन, प ह र पहर, च ह क चहक, स ड क सड़क, ओके? तो इसी तरह आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, और हिंदी का कोई भी वर्क आपको फाइव लाइन कॉपी में करनी है। ये जैसे फोर लाइन कॉपी है ना, ये इंग्लिश वाली कॉपी है, मेरे पास अभी है नहीं इसलिए मैं इसमें आपको करके दिखा रही हूँ। आपको हिंदी वाली कॉपी में करनी है, फाइव लाइन कॉपी में, ओके? तो आज का वीडियो बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय।